जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरहर मऊ के बाकरपुर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। जिस तरीके से 13 तारीख को मतदान सेंटरों पर देखिए किस तरीके से तैयारियों में जुटे हैं प्रधान, ग्राम प्रधान, लेखपाल, कर्मचारियों के द्वारा किस तरीके से तैयारियों में जुटे और पुलिस प्रशासन भी बूथों पर पहुंचने में जो है रवानगी में अधिकारी बड़े अधिकारियों के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएं ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ पे देखिए बैरिक बनाया जा रहा है, यहाँ पे कार्य करते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। बैरिक बनाया जा रहा है कि एक तरफ जो है महिलाएं निकले मतदान करने और एक तरफ पुरुष। यहाँ पे प्रधान जी और लेखपाल जी हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कैसे तैयारियां हो रही हैं। क्या नाम है लेखपाल? को मतदान होना है, उसी के संबंध में बूथ निर्माण का कार्य चल रहा है और हम अपने पूरी ग्राम पंचायत के और अन्य भी मतदाता बंधुओं से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं, मतदान करें, हमारे जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़े। आज से जो है चुनाव प्रचार बंद हो गया है और तैयारियां जो है पूर्णतः आप लोग जुटे हुए हैं। अब की बार जो मतदान है कितने परसेंट, अच्छा इससे पहले जब मतदान सेंटरों पर आप लोगों की ड्यूटी लगती होगी सुबह से शाम तक, क्या 100% पूरा जो है मतदान हो पाता है? 100% तो नहीं हो पाता है, हाँ प्रयास रहता है हम लोगों का कि अधिक से अधिक मतदान हो जी। तो यहाँ पे देखिए कि ग्राम प्रधान भी हैं और लेखपाल साहब ने जिस तरीके से बताया है कि मतदान जो है केंद्रों पर पूर्णतः तैयारियों में जो है लोग लगे हुए हैं। क्या नाम है प्रधान जी? देवकी नंदन। कितने ये बूथ संख्या क्या है? 174 है शायद। आपकी ग्राम पंचायत में कितने विद्यालय? तीन विद्यालय, तीन हैं, दो बूथ हैं हमारे यहाँ। कितने परसेंट वोट पड़ जाती है? इससे पहले तो 60-65% और अभी थोड़ा शासन की शक्ति की वजह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, संभवतः 80-85% जाना चाहिए हमारे हिसाब से। यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि विद्यालय में जो अधिकारी आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ पे, जो मतदाता हैं उनके लिए क्या कैसे? मतदाता के लिए पानी वगैरह, शरबत वगैरह की कुछ थोड़ी सी अल्प। गर्मी का माहौल है और धूप कड़कती भी होगी, तो मतदाताओं को किस प्रकार से सुविधा दी जाए, क्या कुछ तैयारियां? मतदाता को सुविधा यही है कि धूप से बचाने के लिए एक टेंट लगाया जाएगा, पानी पिलाने के लिए या शरबत या जो भी है थोड़ा सा कुछ व्यवस्था की जाएगी और हम लोग कार्यरत हैं। ये जो दो बैरिक बनाए जा रहे हैं ये किस लिए? एक में महिला रहेगी, एक में पुरुष रहेगा, ताकि कोई दिक्कत न होने पाए महिलाओं को या पुरुषों को। विकलांग लोगों के लिए एक सीट मंगाई गई है, व्हील चेयर वो भी आ गई है, सुबह तक यहाँ तक आ जाएगी। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए चेयर पे जो है जाकर के मत जी जी चेयर की व्यवस्था की गई है, वो अभी तक आ जाएगी घंटे आधे घंटे में। 13 तारीख को मतदान के लिए ग्राम प्रधान हो या लेखपाल हो या कोई कर्मचारी हो, सभी लगे हुए हैं अपने कार्यों में। 13 तारीख को मतदान करने की किस तरीके से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो,